जालौर जिले के बागोड़ा उपखंड के निकट जैसावास के ग्रामीणों में आक्रोश नजर आया। इस दौरान उन्होंने भारत और रिमझिम कंपनी द्वारा लगाए गए ड्रिप संयंत्र जो समय से पूर्व खराब हो गए लेकिन कंपनी द्वारा ठीक नहीं कराए गए, बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके चलते उद्यान विभाग निदेशक को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में कई बार कंपनी के अधिकारियों से मिले परंतु कोई समाधान नहीं किया गया। करीब 20 लोगों के यहाँ यह यंत्र लगाए गए थे जो सभी खराब पड़े हैं। किसानों ने बताया कि सहायक निदेशक उद्यान जालौर को ज्ञापन भी दिया गया था लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ज्ञापन दिए गए 5 महीने बीत गए लेकिन अभी तक कोई प्रशासन का आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस मामले में किसानों ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी कार्यवाही करने के लिए शिकायत दर्ज कराई लेकिन अभी तक उसका भी कोई परिणाम नहीं निकल पाया, जिसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश है। वहीं संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही। 20 किसानों ने 2 साल पहले ड्रिप लगाई थी भारत और रिमझिम दो कंपनियों की, 2 साल के बाद में वो खराब हो गई है, कोई काम नहीं आ रही, खराब पड़ा पूरा पूरा माल। उसके बाद में हमने उद्यान विभाग जालौर में जाकर के शिकायत भी दर्ज करवाई लेकिन आज दिन तक 5 महीने हो गए शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आज तक हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है और कंपनी से कोई भी आदमी हमारे पास अभी तक देखने के लिए भी नहीं आया है। जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान किया जाए।